गाइस, दिस इज सरिता। वेलकम टू अवर चैनल बायो ब्लेस्ड। सो आज हम न्यू टॉपिक चालू करने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, ये जो चैप्टर है इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में जो भी जनरल बातें हैं वो इस चैप्टर में देखते हैं हम लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ह्यूमंस में, वो सब में हम लोग हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जनरल रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस ये पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अगर मैं लाइफ प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है वो है लाइफ स्पैन। अच्छा, तो अब लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन एक जब हमने बर्थ लिया और जब हमारा नेचुरल डेथ हुआ, राइट, एक्सीडेंटल डेथ इज नॉट इंक्लूडेड इन लाइफ स्पैन। जब हमारा नेचुरल डेथ होगा, जैसे ह्यूमंस का लाइफ स्पैन कितना है, 100 साल या फिर 110 साल मैक्सिमम, ज्यादा नहीं रहता, राइट। सो ये जब उनका नेचुरल डेथ होगा वो उनका लाइफ स्पैन खत्म होता है, राइट। सो लाइफ स्पैन की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ स्पैन क्या होता है, इट इज पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ओके, सो लाइफ स्पैन आपको समझ गए, लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन इज पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि लाइफ स्पैन, अभी जैसे लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड करता है क्या? हम ह्यूमंस इतने बड़े हैं तो हमारा लाइफ स्पैन कितना है, 110 ईयर्स या फिर 100 ईयर्स, राइट, मतलब 106, बहुत कम लोग होते हैं जो 106-107 साल जीते हैं, राइट। तो हमारा लाइफ स्पैन इतना है, बट जो डॉग है उसका लाइफ स्पैन 10-13 ईयर्स होता है, तो उसका साइज कम है इसलिए उसका लाइफ स्पैन कम है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस कितना जी रहे, बट पैरोट जो कि हमसे बहुत छोटा है साइज में, उसका लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स, कितना, 140 साल। वो हमसे कितना ज्यादा जीता है, मींस टोटल वो 140 साल जीता है, राइट, जबकि वो हमसे साइज में बहुत छोटा है। और दूसरा एग्जांपल दिया तो क्रो, राइट, क्रो और पैरोट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में, लेकिन ये पैरोट 140 साल जी रहा है एंड उधर ये जो क्रो है वो 15 ईयर्स जी रहा है, राइट। तो इसलिए लिखा है कि लाइफ स्पैन आर नॉट नेसेसरीली, नॉट लिखा है, नॉट नेसेसरीली डिपेंड्स और correlated with size, okay? For example, मैंने क्या दिया, parrot कितना जीता है 140 years, right? And crow कितना है 15 years, size difference जो है वो ज्यादा matter नहीं कर रहा है इसमें, crow और parrot जो है वो same size के हैं, okay? वैसे ही mango tree जो है उसका lifespan कम होता है as compared to पीपल ट्री। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स थे इसके कि लाइफ स्पैन जो है वो साइज से रिलेटेड नहीं है। ओके, फिर हमारे जो वर्ल्ड में, हमारे जो अर्थ पे ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इमॉर्टल हो। इमॉर्टल का मीनिंग क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? ओके, इमॉर्टल का मीनिंग होता है कि नेवर डेथ, ओके, कभी भी इसका डेथ ना हो, जो हमेशा जिए, जिंदगी भर जिए, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एक से दो सेल डिवीजन करते रहते हैं, एक से दो, दो का चार, ऐसा कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, देयरफॉर दे आर इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। ओके, सो ये था बेसिक्स। अब हम लोग जाएंगे रिप्रोडक्शन पे। ओके, रिप्रोडक्शन सबको मालूम है क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू वंस आर जनरेटेड वन गिव राइज टू न्यू वन सिमिलर टू इटसेल्फ, राइट। हम हमारे ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, न्यू प्रोजेनी प्रोवाइड लेके आते हैं इस अर्थ पे। ओके, दैट इज रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये क्यों करते हैं हम लोग? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन, राइट, ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब हमको मालूम है रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, ये सब बेसिक्स बातें जो हमको मालूम है, बट चैप्टर में है इसलिए मैं सब कवर कर रही हूँ। ओके, रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है, वी ऑल नो कि फास्ट होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, राइट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्लो होता है, इट टेक्स टाइम, हमारे में 9 मंथ्स लगते हैं, राइट।
इसमें फास्ट होता है, एक दो दिन बस। इसके बाद इसमें अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ माइटोसिस होता है, राइट। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होता है, राइट। फिर इसमें सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, राइट। बट असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, असेक्सुअल में सेक्सुअल में वन और टू पेरेंट दोनों होते हैं, राइट। किसी किसी को डाउट आ रहा होगा वन कैसे, टू पेरेंट्स तो इन्वॉल्व होते, वी ऑल नो, बट वन पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं। हर्माफ्रोडाइट नाम सुना है अपने, हर्माफ्रोडाइट वर्ड सुना है अपने। हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट भी होगा एंड फीमेल पार्ट भी होगा, राइट। तो अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में है तो उन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा, सो दैट इज हर्माफ्रोडाइट, राइट। इसका एग्जाम्पल है टेनिया, ओके, टेनिया इज एन अर्थवॉर्म, ओके। सो ये इसका एग्जाम्पल है। और इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें कि वन पेरेंट टू पेरेंट, हाँ, यहाँ पे जो प्रोजेनी बनती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं अपने पेरेंट्स की, राइट, एग्जैक्ट कॉपीज। बट यहाँ पे क्या दिखता है हमको, यहाँ पे हमको दिखता है वेरिएशंस, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या हो सकता है असेक्सुअली, सब बेसिक पॉइंट्स हैं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हर एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, राइट, सबका अलग अलग टेक्निक्स होता है रिप्रोडक्शन करने का, अलग अलग मेथड्स होता है, तो वो मेथड्स किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मींस कौन कैसे दिखाएगा रिप्रोडक्शन, वो हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ओके। तो जो पहला फैक्टर है रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, वो कौन से हैबिटेट में रह रहे हैं, ओके। हैबिटेट मीन्स उसका एनवायरमेंट, आजू बाजू का सराउंडिंग्स, ओके। दूसरा उसका इंटरनल फिजियोलॉजी, इंटरनल हमारे बॉडी का जो अंदर का फिजियोलॉजी है, अंदर क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, पायोकिलोथर्म्स होते हैं, ओके। पायोकिलोथर्म्स मतलब क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, वी आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। पायोकिलोथर्म्स मतलब क्या होता है कि वो खुद का बॉडी टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ओके, मींस सराउंडिंग के हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये क्या दिखाते हैं, इन लोग दिखाते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, राइट। हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्टमक के अंदर मींस यूटरस में होता है, मींस बॉडी के अंदर होता है, राइट। लेकिन इनमें कहाँ पे होता है, ये आउट ऑफ द बॉडी होता है, ओके, यूटरस में नहीं होता है, ये एम्पुलरी रीजन में होता है, वो आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इंटरनल होता है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओके। सो ये था रिप्रोडक्शन, अभी इसके हम असेक्सुअल और सेक्सुअल को और डिटेल में पढ़ेंगे, तो जनरल पॉइंट्स था, इतना समझा आपको। तो ये था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये थोड़ा मैंने लेंथी वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझना चाहिए, बाकी असेक्सुअल सेक्सुअल फटाफट समझ जाएगा, इसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, पहले चैप्टर में इंटरेस्ट आया तो आप अच्छे से पढ़ लोगे, राइट। इसलिए मैं थोड़ा लेंथी वीडियो बनाई ये वाला, बाकी सब वीडियोस जो है वो शॉर्ट रहेंगे, ओके। इसके बाद असेक्सुअल एक चैप्टर, एक टॉपिक असेक्सुअल भी बनेगा, सेक्सुअल भी बनेगा, और फिर 6 से 7 टॉपिक में, 6 वीडियोस में आपके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वी विल स्विच ऑन टू न्यू चैप्टर्स, ओके, लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके बाद वो सब चैप्टर्स पे भी बनाएंगे, ओके। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे रहेंगे और मींस आपको यूजफुल होंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कीप सपोर्टिंग अस प्लीज, थैंक यू।